वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। डी एल एड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के इस मॉड्यूल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक, जिसमें बेसिकली हम देखेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच को। और अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो हम सिचुएशनल टेक्निक्स को भी इसी में समाप्त कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच को, चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों उसके नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, देखिए किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो उसके बिहेवियर को, उसके कर्मों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम से अगर पूछा जाए कि क्या पता लग रहा है, स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अप्रोच का मतलब आपको मैंने ज़रूर पिछले वीडियो में बताया होगा, तो आपको बताना होगा कि व्हाट इज़ मीन्स ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो अप्रोच दोस्तों होता है दृष्टिकोण, ठीक है। क्या होता है दृष्टिकोण, मतलब किसी भी चीज़ को करने का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसी को हम कहते हैं अप्रोच, क्लियर। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या मतलब हुआ, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, मतलब पैटर्न वाइज क्रमबद्ध समूह में किसी भी चीज़ के पैटर्न को, कैसे क्या किसी चीज़ का पैटर्न होना चाहिए उसको सिखा करके जब हम लैंग्वेज की ज्ञान किसी को कराते हैं तो वो कहा जाता है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्लियर है, ठीक है। क्या एक पैटर्न का ज्ञान करावे, जैसे कि बच्चों आपने बचपन के क्लासेस में जरूर जब टेंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो काल होता है, टेंस होता है, उसको जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, तो ऐसे कुछ पढ़ते हैं, पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, फ्यूचर टेंस का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, ऐसे कुछ आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही जो है सेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी स्ट्रक्चर्स को जब हम जनरलाइज वे में कहते हैं तो आप फ्रेजल वर्ब्स वगैरह पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पढ़ते हैं, फिलर्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच का हिस्सा है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये कोई टीचिंग मेथड नहीं है, ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये एक अप्रोच है। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण है, ना कि ये टीचिंग मेथड है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट अ टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग, ये मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, इट इज एन अप्रोच, ठीक है, मतलब ये अप्रोच है जिसको किसी भी मेथड के साथ, ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट इज एन अप्रोच, एनी मेथड कैन बी यूज्ड विद इट, मतलब किसी भी मेथड के साथ इस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं और एक एक शब्दों को, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा। आइए तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लिखा हुआ द स्ट्रक्चरल अप्रोच विच कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज रेदर देन द वर्ड्स, ऑफकोर्स वर्ड्स आर ऑल्सो सेलेक्टेड and graded, but the main emphasis is put on teaching the students a command of the structures. कहने का मतलब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कहने का मतलब कि भाई जो structural approach होता है इसमें क्या होता है, ये चीज़ों को, मतलब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना और उसको ग्रेड करना। ग्रेड करने का क्या मतलब है भाई, ग्रेड करने का मतलब है क्रमबद्ध करना, ठीक है, क्रमबद्ध करना, सजाना अच्छे तरीके से, ठीक है, तो क्रमबद्ध करना बेसिकली आप कहें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेना, चूज करना और साथ ही साथ उसको क्रमबद्ध करना, इसमें जो है बेस्ड इसी अप्रोच पे, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच बेस्ड होता है, ठीक है। तो अभी कहा कि सेंटेंस पे, लेकिन भाई सेंटेंस को कैसे क्रमबद्ध करेंगे, हम छोटे छोटे वर्ड्स को ना क्रमबद्ध करेंगे, जब वर्ड्स को जब हम क्रमबद्ध कर लेंगे तो पूरे सेंटेंस हमारी क्रमबद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स द वर्ड्स आर आल्सो सेलेक्टेड, पहले कहा कि भाई सेंटेंस को क्या आता है, लेकिन कहा कि सेंटेंस को कैसे करेंगे, जब तक वर्ड्स को, छोटे छोटे वर्ड्स को करेंगे पहले, फिर हम सेंटेंस के ऊपर हम ध्यान देंगे, वही चीज़ कह रहा है। लेकिन इस पर जो मेन इंफेसाइज, जो मतलब मेन, आपको अगर क्वेश्चन पूछता है किस पे साइज होता है तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, टीचिंग द स्टूडेंट अ कमांड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर्स को बताने के, जो स्ट्रक्चर्स का जो कमांड है उनका, जो जो भी मतलब उसका जो एक जो कहा जाए नियम है उसको सिखाने पे जो है बेस्ड होता है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्लियर। चलिए उसका लिखा हुआ है कि वंस दे नो दीज फ्रेम्स और पैटर्न दे कैन फिट वर्ड्स इनटू देम इजली एनफ, मतलब कहने का मतलब भाई एक बार बच्चा अगर जान जाता है, जो भी पढ़ने वाला जो लर्नर है वो अगर सीख जाता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, एक चीज़ के बाद कौन सा नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन के बाद क्या आता है,
ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि यूज़ का यूज़ है तो उसके बाद क्या आएगा, अंडर लिखा हुआ है, अंडर के बाद क्या आएगा, मतलब जैसे आप देखते भी होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब वो इन चीज़ों को पैटर्न्स को सीख जाता है तो बड़ा ही ईजिली जो है उन चीज़ों को फिट कर सकता है और धीरे धीरे पूरे उसके चीज़ों का, पूरे लैंग्वेज का उसको ज्ञान हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्षणिक रूप में, मतलब इंस्टेंस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वही लिखा वंस दे नो द पैटर्न, मतलब एक बार अगर जो है वो पैटर्न जान जाते हैं कि इफ़ डैश हैड बीन वुड हैव, ऐसा क्या लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यही मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न जान जाते हैं, तो वही बोल रहा है कि दे कैन ईजली लर्न द वर्ड्स टू पुट इन टू द ब्लैंक्स और द ब्रैकेट्स, मतलब उसको आराम से वो पुट कर लेंगे और इस हिसाब से वो चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाएंगे। बट इफ़ दे नो ओनली द लिस्ट ऑफ द वर्ड दे कैन नॉट पॉसिबली स्पीक, अंडरस्टैंड, रीड और राइट। मतलब आप सभी देखते होंगे दोस्तों कि कभी कभार ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आता है जिसमें क्या करता है कि ब्रैकेट में चीज़ों को लिखा होता है जो आपको लिखना होता है, उसका टेंस वगैरह बदल करके या फिर उसका जो भी कहा जाए उसका जो फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डिग्री वगैरह बदल करके उसमें जो है पुट करना होता है ब्लैंक्स में, ठीक है। तो अगर केवल और केवल आप वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानेंगे कि भाई किस जगह उसको किस रूप में यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आई एम यूजिंग द पेन और आई यूज द पेन, कहाँ पे आई यूज का यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कहाँ यूजिंग होगा, इन सब चीज़ों का अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, क्या किसका मतलब है वो अगर नहीं समझेंगे, केवल और केवल वर्ड्स जान लिए कि भाई यूज़ का मतलब, अगर आप ये जान लिए कि भाई यूज़ का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना होता है, तो क्या आप जो है ये चीज़ों को अच्छी तरह से जो है आप क्रमबद्ध कर पाएंगे, क्या उसको लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो वही कह रहा है कि केवल और केवल अगर वर्ड्स के लिस्ट आप जान गए, ठीक है, मीनिंग्स जान गए, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर्स जानते हैं तो बड़े ही इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। वही चीज़ फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड डील नॉट ओनली विद द सेंटेंस पैटर्न, ठीक है, मतलब कि सिंटैक्टिकल पैटर्न, बट ऑल्सो विथ सच थिंग एज द साउंड पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, मतलब फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है कि ये जो आपका ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो ना ही केवल आपके सेंटेंस के पैटर्न, यानी कि सिंटैक्टिकल मतलब किसी भी चीज़ को लिखने का जो मतलब सिंटैक्स मतलब बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को, जैसे आप ये जो सिंटैक्स जो शब्द है SYNTAX, ये बेसिकली कंप्यूटर्स वगैरह जो लोगों ने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ा होगा वो लोग बहुत इसको पढ़ते हैं, उसमें एक एरर होता है सिंटैक्स एरर, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर मतलब कि जो भाई जो लिखने का जो तौर तरीका है, जो मतलब वर्ड्स है उसमें आप कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता था उसमें, ठीक है, हमने बचपन में हम लोग ने पढ़ा था उसको, ठीक है। तो सिंटैक्टिकल मतलब भाई जो वर्ड्स है उसको आपने सेंटेंस में कहीं उसको ग्रामेटिकल मतलब एरर किया है, सिंपली से कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट मतलब केवल और केवल ना ही तो इसमें ग्रामेटिकल चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है उसमें, ग्रामेटिकल चीज़ों के अलावा जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमको जो है फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब फोनोलॉजिकल मतलब जो आपका कहा जा सकता है प्रोनंसिएशन का, कैसे किस चीज़ को बोलना है, साउंड उसका क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को भी इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में सिखाया जाना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके लिखा हुआ है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स पैटर्न्स एंड एडियम्स ऑल दिस शुड बी सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड, कह रहा है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है इसमें जैसे एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, कहाँ पे कौन सा उसका मीनिंग या किस जगह होगा, ठीक है, किस जगह किस रेफरेंस में उसको यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें भी इसमें जानकारी इसमें देना चाहिए और मतलब दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। एडियम्स क्या होते हैं कि हर सब मतलब एडियम्स फ्रेजेस आप सभी जानते हैं, इन सब चीज़ों की भी जानकारियाँ दी जाती हैं, ये सारे चीज़ें किस में आते हैं, तो आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच में आते हैं। उसके बाद की चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कोई मतलब टीचिंग मेथड नहीं है, ये टीचिंग का एक अप्रोच है जो किसी भी मेथड के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब इसके कुछ हम यूजेज एंड लिमिटेशंस को हम जान लेते हैं, तो आइए चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, कम टाइम के कारण यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है कि जब हमने ये समझ लिया कि भाई नाउ डैट वी नो डैट व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच इज, मतलब जब हमने ये चीज़ समझ लिया कि भाई स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, ऑल्सो व्हाट इज नॉट, मतलब किसको हम नहीं कहेंगे कि वो स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब हम चीज़ों को, जैसे कि हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जान गए, ठीक है, कैसे चीज़ों का स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ जब हम जान जाएंगे तो हम ईजिली एग्जामिन कर सकेंगे क्या कि कौन सा वर्ड्स हमें कहाँ फिट करना है, जो हमारा एम है, जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे यूज्ड हमें बोलना है कि यूजिंग बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे लिखना है, उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो उद्देश्य है बोलने का, लिखने का, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला वही लिखा हुआ है कि हम समझ लेंगे कि भाई क्या हमारे उद्देश्य के साथ जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग फिट हो रही है, ठीक है। पहला ये इसका यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ क्या है, द मियर सेलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव, इट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द टीचर्स। मतलब ये कह रहा है कि टीचर्स के लिए मटेरियल, मतलब एक कहा जाए कि जो सामग्रियां, मतलब सामग्री का मतलब ये मत समझिएगा कि टीचर को मटेरियल, जैसे हम टीचर से क्या पूछ सकते हैं, क्या चीज़ उनसे हम जान सकते हैं, उसको हम मतलब जल्दी ईजिली के वे में, हम ईजी वे में समझ सकते हैं। जैसे इसमें जब चीज़ों का, जब क्रमबद्ध, आप मैंने बोला कि क्रमबद्ध चीज़ों का क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। तो जब क्रमबद्ध हो गया तो हम समझ सकते हैं कि भाई पहले हम ईजी चीज़ों को पूछ सकेंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट चीज़ों को। तो वही चीज़ कह रहा है कि पहले हम हमारे पास टीचर से पूछने के लिए मटेरियल होता है, हमारे पास सामग्रियां होती हैं कि भाई हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक। और टीचर के पास भी होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पहले छोटा मतलब ईजी चीज़, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट चीज़, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुई, ये भी इसका एक यूजफुलनेस है, इसका एक कहा जाए कि क्या है, यूजेस है। चलिए, ठीक है। एंड हैव दोज विच कैन बी, मतलब ऐसा कुछ कह रहा है, चलिए वही चीज़ बार बार लिखा हुआ है, कमिंग बिफोर द लेटर इट वाज़ ऑल्सो मेक इट मच ईजियर फॉर अस टू कीप ट्रैक्स ऑफ व्हाट वी हैव टॉट एट एनी गिवन पॉइंट सो डैट वी कैन नो। मतलब इसमें एक चीज़ और बताता है जिसके द्वारा हम क्या क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द पीपल्स, इसका मैंने आपको मतलब बताया है पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। ये पीपल नहीं है, गलत भी स्पेलिंग नहीं है, ये प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब वार्ड, कैंडिडेट्स, ठीक है, जिसको भी हम अपना मतलब क्या कह सकते हैं, जिसको भी हम सिखा रहे हैं या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल टू हैव नो डिफिकल्टी विद एंड व्हाट शुड रिवाइज। तो ऐसा कुछ कह रहा है कि भाई इससे, इसको जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच समझाते हैं तो हम इजीली जो है इससे समझ सकते हैं कि जो भी मतलब पीपल है, जो वर्ड्स है, कैंडिडेट्स है, उसमें किस चीज़ को जो है उसको समझने में डिफिकल्टी हो रहा है, किसको नहीं, मतलब क्रमबद्ध चीज़ों को हम समझा सकते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी यूजेस है, ठीक है। लिमिटेशंस को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसका मतलब एक कहा जाए कि इसका एडवर्स चीज़ें क्या है, तो आइए देख लेते। सो फ्रेंड, बेसिकली बात करें तो जो भी आपके इसके लिमिटेशंस होते हैं, जो भी इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो भी इसके कहा जाए कि जो भी इसमें खामियां हैं, वो बेसिकली आपके लेवल पे नहीं है, मतलब जो समझने वाला है उसके में, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत होगा। दिक्कत किसको होता है इसमें ज़्यादा, टीचर्स को दिक्कत होता है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट द स्ट्रक्चरल अप्रोच विल नॉट प्रोवाइड द टीचर विद एडवाइस ऑन हाउ टू प्रेजेंट ईच न्यू टीचिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है कि भाई इस पर थोड़ा सा ये टीचर्स को दिक्कत होती है कि हर पॉइंट पे कैसे नई नई चीज़ों को बताया जाए, वो थोड़ा सोचने में उनको दिक्कत होता है, ठीक है। नॉट डील्स विद द कंसोलिडेटिंग, मतलब कंसोलिडेट यानी कि कंसोलिडेट को अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो संपीड़न, ऐसा कुछ होता है ना कि भाई वो संपीड़न एकदम एग्जैक्टली नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब है इसका, ठीक है। इट नॉर विद द रीडिंग मटेरियल्स, नॉट विद द मटेरियल्स फॉर द रिटन, मतलब कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें जो है इनको ईजिली नहीं मिलती हैं, उसको करने में उनको दिक्कत होता है और उसको डिटेल्स में उनको जो है प्रिपेयर करना पड़ता है टीचर्स को, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ऑल दिस हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द ग्रेट डिटेल्स, क्लियर। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि भाई इसमें अगर थोड़ा भी टीचर जो है वो ढीला ढाला है, एवरेज अगर टीचर है, ठीक है, लिखा हुआ इफ वी आर टू प्रोवाइड एवरेज टीचर विद वॉट डिसिप्लिनली नीड्स इफ ही इज टू ब्रेक द वीसीएस सर्कल, अरे वाह, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल इंग्लिश हियर, ठीक है।
तो ब्रेक द वीसीएस सर्किल, यह एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, ये मैं बहुत दिनों बाद जो है कहीं पढ़ रहा हूँ। वीसीएस, ब्रेक द वीसीएस सर्किल का मतलब क्या होता है, मेक द वीसीएस सर्किल का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई वो केवल और केवल क्या करेगा, मतलब चीज़ों को एडवर्स इफेक्ट ही डालेगा। अगर एवरेज टीचर है तो वो उसको सही से, मतलब वो लिमिटेड हो जाएगा। जैसे नहीं, आप कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप कह दीजिए कि बिना चाबी के कोई ताला नहीं खोल सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जब एवरेज टीचर होगा तो वही ताला जो है बच्चों के ज्ञान का ताला नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलिए, एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट डैट इट इज़ पीपल डैट शुड बी द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, नॉट द मटेरियल। मतलब जो भी टीचर्स है उसको ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे कई कई टीचर्स क्या होते हैं कि अपने जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं उसको बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा टीचर्स को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं। अगर वैसा करेगा, ठीक है, अगर मटेरियल्स पर अगर फोकस करके उसको बनाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है चीज़ों को मतलब समझ में नहीं आएंगी और वो क्या हो जाएगा, नॉन सेंसिकल हो जाएगा, मतलब उसका कोई सेंस नहीं निकल के आएगा, ठीक है, या फिर वो बोरिंग हो जाएगा, या फिर साइकोलॉजिकली जो है वो अनसुटेबल हो जाएगा। किसके लिए, बच्चों के लिए, पीपल्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जिसको भी वो पढ़ा रहे हैं, जिसको भी उन्होंने टारगेट किया है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई टीचर्स को जो है इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब मेथड को समझाने के लिए, क्लियर। बट बाद में ये देखा गया कि जैसे जैसे आप जो आपके आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग जहाँ पे यूज़ जाती है, वहाँ पे धीरे धीरे ये मेथड बहुत ही पॉपुलर होते जाता है और चीज़ें ऑलरेडी बच्चों के समझ में आने लगती हैं, तो उतना दिक्कतें फिर जो है कैंडिडेट्स को, पीपल्स को नहीं फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसके बाद हमें देखना है सिचुएशनल अप्रोच, जो कि हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम और काम कर सकें। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।